बुराड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बलराम झा ने निकाली विशाल पदयात्रा। इब्राहिमपुर से पदयात्रा शुरू हुई जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी तक गई। रास्ते में कई जगहों पर फूलों के द्वारा लोगों ने बलराम झा का स्वागत भी किया। बलराम झा के साथ में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और लोगों को नगर निगम को लेकर मौजूदा प्रशासन द्वारा जो कार्य नहीं किए गए हैं उनके बारे में अवगत करा रहे थे। साथ ही नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। नगर निगम में आम आदमी पार्टी को लाने का अनुरोध करते हुए लोगों से अपील करते दिखाई दिए। बलराम झा ने कहा कि उनका मकसद लोगों के बीच में जाकर उनको जागरूक करना है। बलराम झा से पूछा गया कि टिकट के दावेदार कई हैं, इस पर क्या कहना है। बलराम झा ने कहा कि वे आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी जिसको भी टिकट देगी वे उनका पूरा साथ देंगे और आम आदमी पार्टी को नगर निगम में विजय दिलाएंगे। MCD में केजरीवाल भ्रष्ट BJP को हटाना है MCD से, इसी स्लोगन के साथ हम लोगों ने इब्राहिमपुर पुलिस चौकी से अमृत विहार तिरंगा चौक तक की यात्रा हमने रखी है। हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि ये भ्रष्ट MCD और निकम्मा MCD जो भाजपा पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर स्थापित है, उनको बदलने का समय आ गया है। ऐसा समर्थन मिल रहा है लोगों का, क्या रिस्पॉन्स है बलराम जी? लोगों में अंडर करेंट है, जो 2015 में जो करेंट था वो करेंट दिख रहा है। केजरीवाल बिल्कुल, अब लोगों को कन्विंस तो करना होगा ना। ये दुराचारी और ये भ्रष्टाचारी जो बीजेपी की MCD है, इसको बदलना है। लोगों को जन जन तक ये इनकी बात पहुंचानी है कि ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। रोज नए नए कारनामे इनके सामने आ रहे हैं। लोग पूरा बुराड़ी, पूरा दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। जबरदस्त समर्थन है जी, बहुत बढ़िया समर्थन है। अभी हमारे बीच वार्ड अध्यक्ष प्रवीण राणा जी भी साथ में थे, अभी फोन पे बात कर रहे हैं, बगल में सब लोग थे। हम लोग सब संयुक्त रूप से बढ़िया ये आह्वान किया है हम लोगों ने कि इसको भ्रष्ट MCD को आप बदलिए। अगर आप टिकटों के मामले में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं संभवतः टिकट कहीं और दिया जा रहा है। किसी को भी टिकट मिले, आम आदमी पार्टी की सिपाही हम लोग हैं, हम लोग जी जान से उनको जिताएंगे। टिकट का लड़ाई नहीं है, टिकट का लड़ाई और कहीं होता है। सभी ऑटो भी शामिल है, चुनाव में भी आप लोगों ने किया था जीत का? हाँ बिल्कुल, दावे किए थे लेकिन लोगों ने भरपूर समर्थन तो दिया। थोड़ी बहुत मार्जिन से हम लोग रह गए थे लेकिन समर्थन तो लोगों का बहुत। आपको टिकट देती है, प्रत्यक्ष रूप में आते हैं, क्या कुछ नया करेंगे BJP से हटके? हाँ बिल्कुल, BJP जो गली गली में 25 गज 50 गज के लिए पहुंच जाती है, वो कतई हम लोग ऐसा कतई हमारे पार्षद जो अभी भी रहे हैं उसके यहाँ ये शिकायत कभी नहीं आई। और हम लोग आगे ध्यान रखेंगे और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। साफ सफाई हमारा मूल परिकल्पना होगा। हम साफ सफाई के लिए ये बहाना नहीं मारेंगे कि केजरीवाल जी ने हमको पैसा नहीं दिया, हमको ये बहाना वो बहाना, ये बहाना नहीं चलेगा।